अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपकी वीडियो चल रही है जिसमें तिरंगे की बात कही गई है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? तिरंगा, तिरंगा का हिंदुस्तान का कौन सा आदमी है जो तिरंगा नहीं लहराता? हर आदमी तिरंगे की इज्जत करता है, हमारे मुल्क की एक अलामत है, निशानी है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि बीजेपी ने गवर्नमेंट के नाम पर के साथ सब झंडा लहराया जाए घर घर, और एक जुलूस निकालना शुरू किया कि हर एक आदमी के हाथ में वो झंडा हो, तो क्या वो इससे उनकी इसमें नीयत साफ नहीं है? इसके पीछे उनका मिशन जो है अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना या सन 24 की जीत के लिए ये तैयारी है। क्योंकि जहाँ तक झंडे का ताल्लुक है, झंडा हिंदुस्तान का हर आदमी कौन मुखालफत करता है? सवाल उसके मिशन का सवाल है, उसके पीछे क्या है, ये उससे अपनी पार्टी को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। पार्टी की मतलब ये कि उसमें जो ताकत है वो दिखाना चाहते हैं कि आज जनता जो है हमारे साथ है। ये तीन की डॉक्टर नहीं भाई, तिरंगा सियासी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका इस्तेमाल सियासी नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी क्योंकि हिंदुस्तान का सर ऊँचा करने का नाम झंडा है। और आप नागपुर चले जाइए, नागपुर पर कहाँ झंडा लहराया जा रहा है? आरएसएस के लोग उस वक्त कहाँ थे जब हिंदुस्तान कुर्बानी दे रहा था? हिंदुस्तान पूरा मिलकर कुर्बानी दे रहा था, सब ने हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर कुर्बानी दी और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। तो आदमी की वफादारी और जो नापी जाएगी वो कुर्बानी से नापी जाएगी, ना कि सिर्फ झंडा लगाने से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।